हेलो दोस्तों, आज हम और शोल्डर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड करके रखा हुआ है, अब हम निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच निशान लगा रही हूँ आर्म होल का, आर्म होल और लेंथ भी रखेंगे इसकी 6 इंच। एक बॉक्स तैयार कर देंगे 6 इंच का इस तरह से। ये सब करने के बाद हम इसे इस तरह से राउंड शेप देंगे, तो हमारा यह आर्म होल शेप बनकर तैयार हो जाएगा। अब आएंगे हम चेस्ट पर, तो मैं इसे 36 इंच का बनाया तो 9 इंच पर निशान लगा दूँगी। मार्जिन के लिए 1.5 इंच बढ़ा दिया, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हो कपड़े पर। अब आएंगे हम यहाँ पे नीचे की तरफ, तो मैंने इसमें 7.5 इंच रखा है कमर का। मार्जिन उतना ही रख लेंगे जितना हमने ऊपर रखा है। तो मैं इसे राउंड शेप दूंगी। तो पहले हम यहाँ पे आएंगे नेक पर, तो मैं इसे ऑफ शोल्डर बना रही हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे 5.5 इंच है, तो यहाँ से हम देंगे 2 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से हमें यहाँ पे क्रॉस में करके निशान लगाना है। और डायरेक्ट हमें ऐसे नहीं काटना, थोड़ा सा हमें हल्का सा राउंड शेप देना है, जिससे कि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आएंगे हम चेस्ट पर। निशान लगाया और इसे नीचे की तरफ हम रखेंगे 3.5 इंच पर। अब इसे कर्व से देते हुए हम इस तरह से मिलाएंगे। आर्म होल की तरफ मिलाना है हमें और अंदर की तरफ हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच पर। तो हम इसे पिन स्कर्ट शेप देंगे इस तरह से कुछ। तो ये हमारा शेप बनकर तैयार हो गया पिन स्कर्ट का। तो मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ, कुछ नया लुक दे रही हूँ इसे इस तरह से। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर नापेंगे यहाँ से और इसे राउंड शेप देते हुए फ्रंट की तरफ मिलाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आएंगे हम कटिंग पर, तो पहले हम इसमें शोल्डर कटिंग करेंगे। यहाँ से हम हल्का सा डाउन कर देना इस तरह से गोल से देने। यहाँ से हम कट लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा हमें यहीं से ज्वाइंट करना है इस तरह से। इसमें भी दूसरे पीस में भी ऐसे कर देंगे। तो इसका सेप बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। जब हम इसे कपड़े पर काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, दोनों पीस में लेना है, जिससे कि हमारी जो पफ बनेगी वो छोटी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इसका शेप बनकर तैयार होगा। तो मैं इसे आपको जोर से बता रही हूँ इस तरह। तो दोस्तों, इसे सिलने के बाद इसका शेप इस तरह से आया। जब हम इसे कपड़े को बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बनेगा ये। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डिजाइन काटा वैसे हम इसे पट्टी ज्वाइन करेंगे, अंदर तरफ फोल्ड कर देंगे और जितनी भी हमारी बॉडी की फिटिंग है उसके अनुसार हम कपड़े पर फिटिंग करेंगे। तो हमारा ऐसे ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है ऑफ शोल्डर ब्लाउज़।